तो वीडियो अपलोड करते करते काफ़ी लेट हो गई है मुझे यहाँ पर, और बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए था, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट से मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम टू द पठानकोट। इस वक्त 8:47 हो चुकी हैं और मैं रावी नदी के किनारे पर खड़ा हुआ हूँ। ये बर्फानी घाट है, इस तरफ जो आप ये देख रहे हो बाबा बर्फानी टेम्पल है, जहाँ पर मैंने रात को स्टे किया था। बहुत सही लोकेशन है, अगर आप साइकिलिस्ट हैं या राइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर आप स्टे कर सकते हैं। पठानकोट के अंदर ही है, बिल्कुल नदी के किनारे के ऊपर। प्लस यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट खाना दिया, प्लस रहने के लिए जगह दी। सो आज मुझे यहाँ से लगभग 115 से 120 किलोमीटर के बीच में जलंधर जाना है, तो अभी राइड स्टार्ट करने वाला हूँ। ये जो आप हाईवे देख रहे हो ये है NH44, जो सीधा यहाँ से पठानकोट टू जलंधर की तरफ जाता है। और आज मेरा 5वां दिन है राइड का, सो आई एम सो हैप्पी कि मैंने J&K कंप्लीट कर लिया। पंजाब के पठानकोट को क्रॉस कर हिमाचल के एरिया में एंटर होऊंगा, और उसके बाद हिमाचल को क्रॉस करने के बाद मैं जलंधर में फिर से पंजाब में एंटर हो जाऊँगा। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर इस तरफ ये बाबा बर्फानी टेम्पल है, और पीछे तो दर्शन हो गए हैं बाबा जी के, भगवान जी के। और अभी मैं अपनी राइड स्टार्ट करने जा रहा हूँ बाबा बर्फानी टेम्पल से, मीन्स पठानकोट टू जलंधर के लिए। जब कभी मैं बंदरों को देखता हूँ मुझे अचानक से प्लेनेट ऑफ द एप्स की याद आ जाती है। आप जो ये पीछे गुरुद्वारा देख रहे हो, शायद यही गुरु रविदास जी का गुरुद्वारा, जो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था यहाँ रुकने के लिए। तो आपके पास एक और ऑप्शन है, यहाँ भी आप स्टे कर सकते हो, काफी पूरी जगह है, और इस तरफ इनका थोड़ा वो भी बना रखा है, तो मे भी आप लोग यहाँ भी स्टे कर सकते हो। और आगे जो दिखा रखा है, ये सामने लिखा हुआ धर्मशाला और नूरपुर। जिस एरिया में मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ ये डमटाल का एरिया है, और डमटाल यहाँ से 3 किलोमीटर है। ये हिली एरिया है और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अभी अभी शिव भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति गई है, तो ये एरिया आ गया हिमाचल प्रदेश का। मतलब पंजाब से मैं हिमाचल में एंटर हो गया हूँ, और फिर हिमाचल के बाद मैं वापस पंजाब में चला जाऊंगा, जो जलंधर पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है। सो हिमाचल को क्रॉस कर लिया है, अभी पंजाब में फिर से एंटर हो गया हूँ, और भूख लगाई है, सुबह के 10 बज गए हैं, तो सोचा 1 घंटा साइकिलिंग करने के बाद अभी पराठे खा लिए जाते हैं, तो पराठे खाऊंगा उसके बाद आगे के लिए निकलूंगा। ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी मैं यहाँ पर डमटाल से आगे पंजाब में एंटर हो गया हूँ। मैंने मेरी राइड जो है वो यहाँ से श्रीनगर से स्टार्ट की थी, यहाँ से फिर मैं अनंतनाग होते हुए यहाँ से जम्मू आया, जम्मू के बाद कठुआ, कठुआ पठानकोट, अब पठानकोट से आगे मुझे जलंधर, ये जो आप देख रहे हो जलंधर, यहाँ जलंधर तक पहुँचना आज। तो मेरा रूट ये होते हुए यहाँ आते हुए यहाँ तक आ जाऊँगा, आज मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, और उसके बाद में ये पूरा रूट दिल्ली, दिल्ली के बाद में सारा होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, एंड फाइनली कन्याकुमारी। हे गाइस, तो अभी मैंने मुकेरिया को क्रॉस किया है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि रात को क्या हुआ कि मैं वीडियो एडिट कर रहा था, वीडियो एडिट करते करते ऐसे ऐसे कर रहा हूँ कि वीडियो भी अपलोड करनी होती है, और रात को 12-1 बज गए थे सोते सोते, फिर ज़्यादा लेट हो गया था, फिर सुबह सुबह 6 बजे उठ गया, इसलिए ज़्यादा नहीं सो पाया था, इसलिए साइकिलिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और यहाँ पर ये मैट बिछाया और लेट गया सोने के लिए, और ट्रस्ट मी, लेटने के साथ ही मुझे नींद आ गई। जलंधर यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर और रह गया है। तो वीडियो अपलोड करते करते काफ़ी लेट हो गई है मुझे यहाँ पर, और बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए था, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट से मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। तो अभी फाइनली यहाँ से सीधा मैं जलंधर के लिए निकल रहा हूँ। यहाँ से आगे लेफ्ट साइड में वहाँ पर कबड्डी के टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो आते जाते हुए लोगों ने बोला कि आप खाना खा कर जाना यहाँ से, बट हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम यहाँ पर खाना खाने के लिए रुकें, अभी सीधा मुझे निकलना होगा। 2:20 हो चुकी हैं और मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है, क्योंकि सर्दी के टाइम में बहुत जल्दी अंधेरा भी हो जाता है इस वजह से। फिलहाल हम लोग टांडा में हैं और मेरे साथ दीप भाई हैं, खुद एक साइकिलिस्ट हैं। से हाय दीप भाई। ये लुधियाना से हैं और आज डलहौजी से लुधियाना जा रहे हैं, तो रास्ते में हम दोनों टकरा गए, तो मेरे को एक साथी मिल गया और इनको भी एक साथी मिल गया, तो 40 किलोमीटर तक का हमारा साथ हो रहा है। उसके बाद ये लेफ्ट साइड में मुड़ जाएंगे लुधियाना के लिए, और मैं वहीं पर स्टे करूँगा। तो फाइनली अभी यहाँ से जो जलंधर है वो लगभग 18 किलोमीटर रह गया है, और सूरज देवता है वो अभी ढलने वाले हैं। ट्रैफिक ठीक ठाक है और ठंड भी हल्की हल्की हो गई अभी। तो दीप भाई थे, उनके साथ साथ काफ़ी स्पीड में हम लोग आ गए यहाँ पर। अभी 5:09 हैं और काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर करके लेकर आए अभी तक। हम लोग दोनों रुक गए हैं अभी जो शक्करकंदी है वो खाने के लिए। मुझे शक्करकंदी काफ़ी पसंद है, दीप भाई पसंद नहीं बताता, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और हमारी जो शहजादियाँ हैं, मेरी जो शहजादी यहाँ पर है और दीप भाई की शहजादी आगे खड़ी हुई है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आपसे दीप भाई, आपके साथ राइडिंग करके, इन्होंने मेरा भी खींच के लिया है साथ साथ में अपने। Running like a river, let the current take.
वक्त हुआ है 5:45 मैं पहुंच गया हूं जलंधर। और वहां पर जलंधर पर जब जैसे एंटर होते हैं वहां पुलिस वाले सर खड़े थे, उनसे मैंने पूछा कि मुझे रात को स्टे करना है, तो उन्होंने मुझे देवी तालाब मंदिर बताया है, तो उसी मंदिर में जा रहा हूँ, जाकर देखता हूँ क्या माहौल है क्या है। सचिन जी स्टे करना, मैं यात्रा कर रहा हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो वो जो मेन एंट्री है ना वहाँ पर पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि यहाँ चले जाइए श्री देवी तालाब टेम्पल में। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू, ठीक है। इस वक्त मैं श्री देवी तालाब मंदिर है वहाँ पर हूँ और मैं शाम को पहुँच गया था। जैसे ही मैं जलंधर रोड से NH 44 पर था तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स थे, उनसे मैंने पूछा कि क्या यहाँ पर कोई जगह मिलेगी, तो उन्होंने मुझे ये जगह सजेस्ट की। ये काफ़ी खूबसूरत जगह है और मैंने लाइफ में पहली बार इतना बड़ा मंदिर देखा है, वो भी ऐसा जब मैं पहली बार एंटर हुआ तो मुझे घुसते ऐसा लगा कि शायद मैं किसी गुरुद्वारे में आ गया हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि पूरा टेम्पल और बहुत ही बड़ा है। 309 है, ये मेरा रूम है जिसके अंदर मैं रात को स्टे करूंगा। अभी रूम आपको अंदर से दिखाता हूं किस तरह का रूम है। सामने ये अलमीरा है, प्लस ये बेड मिला जिसके ऊपर मुझे सोना है। अपने को तो सिर्फ एक रात बितानी होती है और इस पूरे हॉल के अंदर कोई नहीं है, पूरा मैं अकेला ही हूं। तो अभी बस से पहुँच गया हूं और काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है, सो आज मैं वीडियो एडिट करूंगा जल्दी और उसके बाद मैं सो जाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।